हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने से पहले 13 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। हिमाचल प्रदेश से चलने वाली यह पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। प्रदेश के लोगों के लिए यह एक बड़ी सौगात थी, क्योंकि इससे सफर आसान बनने वाला है। अब इस उपलब्धि को बीजेपी हिमाचल प्रदेश चुनाव प्रचार में जमकर मुद्दा बना रही है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी ट्रैक पर वंदे भारत ट्रेन का मुद्दा खूब उछल रहा है। पार्टी इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बताकर इसे भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पार्टी प्रत्याशी से लेकर स्टार प्रचारक तक अपनी रैलियों में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जमकर चर्चा कर रहे हैं। 31 अक्टूबर को हमीरपुर के सांसद और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हरोली और गगरेट विधानसभा के चुनावी दौरे पर थे। यहां उन्होंने अपनी चुनावी सभाओं में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और रेलवे नेटवर्क विस्तार के मुद्दे पर खूब बात की। उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को डबल इंजन सरकार की उपलब्धि बताई। हिमाचल से पहले अब तक देश में 3 वंदे भारत ट्रेन चल रही थी। एक ट्रेन दिल्ली से बनारस के बीच, दूसरी ट्रेन दिल्ली से कटरा और तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस गांधीनगर से मुंबई के बीच दौड़ रही है। इस ट्रेन को हाल ही में पीएम मोदी ने गांधीनगर से हरी झंडी दिखाई थी। वंदे भारत ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें जीपीएस आधारित सूचना सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, वैक्यूम आधारित वायु टॉयलेट, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर समेत तमाम सुविधाएं हैं, जो कि यात्रियों को आकर्षित करती है। गौर करने वाली बात है कि हाल ही में जिस गुजरात और हिमाचल प्रदेश में 2 वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई है, इन दोनों राज्यों में चुनाव होने हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और गुजरात में इसका ऐलान होना बाकी है। इन दोनों राज्यों में अभी बीजेपी की सरकार है। बताया जा रहा है कि बीजेपी अगले साल होने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव में भी वंदे भारत ट्रेन को मुद्दा बनाएगी और गुजरात और हिमाचल प्रदेश इन दोनों राज्यों का उदाहरण देते हुए यह बताएगी कि यदि केंद्र और राज्य में दोनों में यदि बीजेपी की सरकार है तो वंदे भारत ट्रेन के लिए ट्रैक बिछाना कितना आसान होता है। मध्य प्रदेश को छोड़कर अभी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। इस साल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले 3 सालों तक 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की थी। रेल मंत्रालय की ओर से हाल ही में कहा गया कि अगले साल 15 अगस्त से 75 वंदे भारत ट्रेन देश के अलग अलग रूट पर चलेगी। ऐसे में बीजेपी वंदे भारत ट्रेन को चुनावों के लिए एक मुफीद मुद्दा मान रही है। टाइम्स नाउ, नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।